देश के प्रमुख उद्योगपति, समाजसेवी और दानवीर रसिक लाल माणिक चंद्र धारीवार, उनकी धर्मपत्नी शोभा बहन धारीवार, पुत्री जानवी धारीवार, सहकारिता और बैंकिंग क्षेत्र के विशेषज्ञ मालूजी, पूना के शिक्षाविद और शिक्षण संस्थानों की श्रृंखला संचालित करने वाले मारुति नावले, उनकी पत्नी सुनंदा नावले, बड़ौदा के उद्योगपति और समाज सेवी अजीत जैन ने महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च द्वारा संचालित अस्पताल और मेडिकल कॉलेज का अवलोकन किया। महावीर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल को देखने के बाद धारीवाल परिवार और उनके साथ आए अतिथि मानव सेवा के इस कार्य को करने के लिए बेहतर ढंग से तैयार किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर से काफी प्रभावित हुए। उन्होंने जैन समाज द्वारा किए जा रहे सेवा और पुण्य कार्य में धारीवाल परिवार द्वारा सहयोग करने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने इस कार्य में आर्थिक रूप से और मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में विशेषज्ञ की सेवा भी निशुल्क उपलब्ध कराने की भावना व्यक्त की। धारीवाल परिवार का महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च परिसर में स्वागत संस्था के अध्यक्ष सनत कुमार जैन, सचिव डॉक्टर राजेश जैन, ट्रस्टी मनोहर टोंगिया, सुनील जैन 501, कॉलेज प्रशासन की ओर से अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के सदस्यों ने उनका आत्मीय स्वागत किया। उन्हें अस्पताल और मेडिकल कॉलेज द्वारा किए जा रहे कार्यों और इंफ्रास्ट्रक्चर के संबंध में जानकारी देते हुए भविष्य की योजनाओं के बारे में बताया। धारीवाल परिवार के महावीर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में आने की सूचना मिलने पर मध्य प्रदेश शासन के वित्त मंत्री जयंत मलैया, ऊर्जा मंत्री पारस जैन, पूर्व विधायक विनोद डागा और तरुण पटवा ने भी उनसे मुलाकात की। इस अवसर पर मेडिकल कॉलेज में आयोजित स्वागत कार्यक्रम में संस्था के अध्यक्ष सनत कुमार जैन ने अतिथियों का स्वागत करते हुए उन्हें संस्था के उद्देश्य और सेवा कार्यों के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी। कि जहां पर एक ऐसी पुण्यात्मा सब परिवार आई है और उन्होंने सेवा के इस क्षेत्र में सभी को प्रेरित करने के लिए एक अनुकरणीय काम किया है, उसके लिए हम धारीवाल परिवार का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और मेरी नज़र में पैसे का जो सदुपयोग है, पैसे तो सभी लोग कमा लेते हैं, लेकिन उसका सदुपयोग करना और मानव सेवा के लिए उसका उपयोग करते हुए अपने जीवन जीना, यदि यह किसी से प्रेरणा लेना है तो उसके लिए आदरणीय धारीवाल साहब से हम सभी लोग प्रेरणा ले सकते हैं। जब मैं पहली बार इस परिवार से मिला, इतनी सहजता, सरलता, इतना अपनापन और सभी के प्रति, खासतौर से मानव सेवा के प्रति एक जो उनका लक्ष्य देखने को मिलता है, वो अपने आप में अनूठा है। संस्था के सचिव डॉक्टर राजेश जैन ने संस्था द्वारा किए गए कार्यों और भविष्य की योजनाओं के संबंध में अतिथियों को अवगत कराया। आज हम जिस स्टेज पर हैं, अभी आप लोगों ने MBBS फर्स्ट ईयर का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा तैयार है और जो हॉस्टल वगैरह की कैपेसिटी है वो थर्ड ईयर तक की कम्प्लीट हो चुकी है। आगे जो है MCI की परमिशन आते से ही 150 बच्चे हमारे एडमिशन पा लेंगे और फैकल्टी चालू हो जाएगी। हमें आशा ही नहीं, वरन पूर्ण विश्वास है कि जुलाई 2017 में हम MBBS का फर्स्ट ईयर का एडमिशन पा सकेंगे। हमारे आगे हॉस्पिटल में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का प्लान है, नर्सिंग कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज और साथ में अल्टरनेटिव थेरेपी जो है, इसमें नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, हीलिंग मेडिसिन, मंत्रा, ये सभी चीज़ जो आजकल अल्टरनेटिव मेडिसिन है उसका भी हम लोगों ने नेचुरोपैथी का कोर्स चल रहा है और अभी हमारे 21 दिन का एक थैलेसीमिया के ऊपर पूरा कोर्स चला है जिसका समापन का दिन भी है। कदम कदम पर अच्छी अच्छी चीजें सामने आती है, बच्चों को अचरज होगा कि 1962 में मेरी कमाई 300 रुपये महीना थी, तो फिर लॉटरी लगी क्या? तो जवाब है नहीं। फिर कहाँ से आया पैसा? कड़ी मेहनत, ईमानदारी और धंधे के हवस चलते गया, हवा बहते गई और मैं आज इस हालत में पहुंच गया कि जो करना चाहूँ वो हो सकता है। मुझे भी चांस यहाँ के भोपालवासियों ने दिया
डॉक्टर मेरे नाम तो सारे ध्यान में नहीं है करके नहीं ले रहा हूँ, भोपाल वासियों ने दिया, डॉक्टर साहब तथा उनके साथ मंत्री महोदय भी थे और 6-7 लोग थे, मुझे थोड़ा सा सेवा का मौका दिया और आज बच्चों के सामने मैं यहाँ बैठे बैठे बात कर रहा हूँ। यहाँ आने के बाद तो और मैं उत्साहित हो गई हूँ, ये सब देख के, इतने डिवोटी लोग देख के और उनका काम देख के। एक पेशेंट को डॉक्टर की और एक अच्छे हॉस्पिटल की क्या जरूरत होती है, ये मुझे लगता है मेरे सिवा और ज़्यादा कोई नहीं जान सकेगा। तो अच्छा डायग्नोसिस होना, प्रॉपर टाइम पे डायग्नोसिस होना, इमरजेंसी में सेवा मिलना, ये पेशेंट के लिए और पेशेंट बचाने के लिए बहुत ज़रूरी बातें हैं। रूटीन तो चलता रहता है, लेकिन जो ये हॉस्पिटल की का एम है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। बिल्डिंग बहुत अच्छी है, एरिया अच्छा है और खाली ट्रस्टी लोग ही डीओटी नहीं है, लेकिन आज जो सब स्टाफ और सभी जुड़े हुए लोग देखे हैं और उनकी जो भावना देखी है वो देख के मुझे बहुत खुशी हुई और हम उनके साथ जुड़ रहे हैं उसका मुझे बहुत अभिमान लग रहा है। और भोपाल में, भोपाल का तो शहर यानी इंदौर सफाई में एक नंबर पे आ गए हैं, मुझे लगता है ये अपना भोपाल शहर अपने हॉस्पिटल के नाम से बहुत अच्छा, पूरे इंडिया में उसका नाम हो, यही मैं बहुत सब प्रार्थना करती हूँ। एक तरफ मेरे पापा है जो सोचते नहीं है कि कितना देना है या किसको देना है, अच्छा काम है तो मैं जुड़ूंगा। एंड माई एक्सपीरियंस वॉज कि आज स्टाफ जो साथ में काम कर रहे हैं, घर पे काम कर रहे हैं, ऑफिस पे काम कर रहे हैं, कह रहे थे कि नहीं दीदी आप अच्छा काम कर रहे हैं हमारे 50 रुपये, आप अच्छा काम कर रहे हैं हमारे 100 रुपये, जिसका जितना मन था उसने दिया था। एंड आई एम रियली रियली ब्लेस्ड कि ऐसे पापा की मैं बेटी हूँ जिनका अच्छे काम के लिए कभी भी मन या हाथ रोकता नहीं है। एंड आई एम श्योर आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, आपका टीम बहुत अच्छा है, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट टू सच एंथुजियास्टिक पीपल, यू ऑल विल ऑल गो वेरी लॉन्ग वे। वहीं सुनील जैन 501 ने अतिथियों का आभार व्यक्त किया। भोपाल से EMS TV के लिए कैमरामैन संजय शुक्ला के साथ राम पवार की रिपोर्ट।